नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर पीजीटी के मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट पेपर फर्स्ट के पार्ट टू के बारे में बताएंगे। पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो के लिंक में है। विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड गोट पॉक्स वैक्सीन, तो किस इंस्टीट्यूशन ने गोट पॉक्स वैक्सीन डेवलप की थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा IVRI, जिसका फुल फॉर्म है इज्जत नगर इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हाट इज द प्रोपागेशन मेथड ऑफ केसीयू, तो केसीयू में प्रोपागेशन मेथड क्या होता है। तो आंसर है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा हम प्रोपागेशन मेथड कहते हैं केसीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर्स कवर्स लार्जेस्ट एरिया अंडर फार्मिंग। तो विच रिवर्स कवर लार्जेस्ट एरिया अंडर फार्मिंग, फार्मिंग की बात हो रही है तो ये आपका इंडस है, और अगर लार्जेस्ट एरिया होती तो वो गंगा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। GATT गॉट इज रिप्लेस्ड बाई जनरल अग्रीमेंट ऑफ टेरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। उसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 1995 में रिप्लेस किया था। व्हाट इज द हाई वॉल्यूम स्प्रे फ्लूड क्वांटिटी, जो हाई वॉल्यूम स्प्रे होती है उसकी फ्लूड क्वांटिटी क्या होती है, तो मोर देन 400 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द हाई उफरा डिजीज मैनली अकर्स इन विच क्रॉप, जो उफरा डिजीज होता है किस क्रॉप में आती है, तो आपकी आती है पैडी में। सही आंसर होगा इसका पैडी यानी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इफीमेरल प्लांट। इफीमेरल प्लांट दोस्तों वो होते हैं जो कि मॉइस्चर रैन मॉइस्चर में अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं। तो इसमें से आप चार ऑप्शन है आपको चूज करना है। तो इसमें पर्ल मिलेट होगा, जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट भी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्राजिन एक्ट एज विच टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, तो एट्राजिन जो होता है किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है, तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉइल मल्चिंग इज मोस्टली यूज्ड इन, तो सही आंसर होगा आपका इज बर्टिसोल। बर्टिसोल में सॉइल मल्चिंग इज मोस्टली यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ क्रॉस ऑफ, तो नीलम गुड़े अल्फांसो, जो कि दशहरी होता नीलम गुड़े अल्फांसो, आम्रपाली होता दशहरी गुड़े नीलम। पपाया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच सेंचुरी, इंडिया में पपाया कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 16th century में पपाया इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, तो डिस्क हैरो, सबसॉइल प्लाउ, चिजल प्लाउ और हैरो। तो जिसने भी हैरो लगा होता है मोस्टली सेकेंडरी होते हैं, प्लाउ जो होते हैं मोस्टली फर्स्ट यानी प्राइमरी होते हैं। विच न्यूट्रिएंट प्ले अ रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो सही आंसर होगा मॉलिब्डेनम। जो मॉलिब्डेनम होता हो आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मोस्ट यूजफुल रोल प्ले करता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड माई गाँव मेरा सरकार पोर्टल, तो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। वैन देन फॉल इज लेस देन 75% नॉर्मल, डेट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको चूज करना है कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो ये होगा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट इज डिटरमेंटल फ्लावर लॉन्गिविटी, तो फ्लोरिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर ऑफ क्राइजेंथेमम इन ग्रीन हाउस इज हाउ मच प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजीसाइड यूज्ड फॉर सीड प्रोटेक्टेंट, कौन कौन से फंजीसाइड सीड प्रोटेक्ट में यूज किए जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको गेस करना है। आपको इसे क्वेश्चन आ रहा होगा तो ऑल ऑफ दीज सभी होते हैं, बेबेस्टिन थीरम और कैप्टान। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम क्रूड फाइबर कंटेंट इन पोल्ट्री राशन, तो ऑप्शन आपके सामने है, मैक्सिमम क्रूड फाइबर कंटेंट इन पोल्ट्री राशन, तो 1-3% ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से देखा जाए तो, इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रोजिनेज,
तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो देखते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CIMAP इज लोकेटेड एट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। स्किपिंग इज अ प्रैक्टिस्ड इन विच क्रॉप, तो सही आंसर होगा इसका आपका टी। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इन वाटर इज रिफर्ड एज, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन वाटर इज रिफर्ड एज। तो एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, टेरा फार्मिंग, नॉन ऑफ दिस, तो वाटर है तो हाइड्रोपोनिक्स, एयर होता तो एरोपोनिक्स। टेरा फार्मिंग जो होती है चाँद पे खेती। ट्रिटिकम एस्टिबम इज आ, ट्रिटिकम एस्टिबम क्या किस तरह का है, मोनोप्लॉयड, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, तो हेक्साप्लॉयड होता है, जिसका क्रोमोजोम नंबर 42 होता है और बेसिक क्रोमोजोम नंबर 7 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कमेंट करके बताना ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जो एग्रीकल्चर PGT है पेपर फर्स्ट पार्ट 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।